हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ नारियल के लड्डू की बहुत ही आसान रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है और बहुत ही कम चीज़ों के साथ बनके तैयार होती है, और इसे बनाना बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। अब इधर मैंने गैस पर रखा हुआ पैन और उसमें थोड़ा सा घी डाला है, और घी बिल्कुल गर्म हो चुका है। तो अब हम आधे नारियल को इसमें डाल देंगे और इसको लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम पे हमें भूनना है। और इसे भूनने का एक ये भी होता है कि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाता है, तो इसे बिल्कुल लगातार चलाते हुए हमें भूनना है। और इसे तब तक भूनेंगे जब तक ये हल्का ब्राउन ना हो जाए। तो बिल्कुल लगातार चलाते हुए भून रही हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए, इसका कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर गैस को बंद करेंगे और इसको हम नीचे उतार लेंगे, और बिल्कुल इसी प्रोसेस से दूसरे वाले नारियल को भी मैंने कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए, दूसरा वाला नारियल भी हमारा ब्राउन होने लगा है। तो बस यहीं पे हम इसमें डाल रहे हैं कंडेंस मिल्क, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इस जगह पे आप डाल सकते हैं खोया, या फिर आप मिल्क पाउडर, या अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ चीनी से इसको बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें लगेंगी, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं हम, और अभी ये थोड़ा सा गीला है तो हल्का सा इसे हम गाढ़ा करेंगे। बहुत देर तक नहीं करना है, क्योंकि ये कंडेंस मिल्क तो ऑलरेडी गाढ़ा होता है, क्योंकि अभी नारियल के हमें लड्डू बनाने हैं। तो थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे, इतना कि ये लड्डू बन सके। और यहाँ पर देखिए, हो चुका है। तो यहाँ पर गैस को कर रहे हैं हम बंद और इसको उतार लेंगे। आपने देखा, मैंने इसमें शुगर ऐड नहीं किया है, क्योंकि कंडेंस मिल्क में ऑलरेडी शुगर होता है। मैंने अपने हिसाब से इसमें ऐड कर लिया था। तो मीठा आप अपने हिसाब से ऐड करिए, आपको कितना चाहिए। यहाँ पे गैस से उतारने के बाद ये जो नारियल है ये थोड़ा ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची के दाने, इसको मैंने कूट के रखे हुए थे। और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करते हुए यहाँ पर हम इसका गोल गोल लड्डू तैयार करेंगे। तो बिल्कुल आमतौर पर हम जैसे लड्डू बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम इसको रेडी करेंगे ऐसे दबाते हुए। यहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि लड्डू अच्छे नहीं बन रहे हैं, या फिर ये टूट जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप इसे एक बार बना के और फ्रिज में रख दीजिए। अगर आप रात में बना रहे हैं तो रात भर के लिए रख दीजिए, वापस से आप सुबह इसको एक बार फिर हाथों से दबा देंगे तो ये बहुत ही परफेक्ट लड्डू बन के तैयार होंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और यहाँ पर मेरे सारे लड्डू बन के रेडी हो गए हैं, ये देखिए। तो आप भी इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना है। और बताइएगा आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करते जाइएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।